हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा थैंक यू। मेरे 50,000 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, सब आप लोगों की वजह से है, जिसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। ये वीडियो जो है ये ओनम फेस्टिवल पे गेट रेडी विद मी काइंड ऑफ वीडियो है। आप उस पर किस तरह से मेकअप कर सकते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है, और कुछ सिंपल करना चाहते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अप्लाई किया है गुड वाइब्स का वाइटामिन सी का जो फेस सीरम होता है वो है। तो उसे मैं हल्के हल्के हाथों से अपने फेस में अच्छे से मसाज कर रही हूँ, ठीक है। वो बहुत ज़रूरी होता है। एक्चुअली क्या है, थोड़े दिनों से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैं अपना जो अपना फेस स्किन केयर है वो नहीं कर पा रही थी, तो स्किन बहुत अजीब सी हुई हुई है, आपको दिखाई भी दे रही है। इसके बाद मैंने अप्लाई किया है प्राइमर जो कि ब्लू हेवन का है शायद, मैं बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो उसे वहाँ सिर्फ उस उतने ही एरिया में लगा रही हूँ जहाँ पे ओपन पोर्स होते हैं और जहाँ से हमें स्वेटिंग ज़्यादा होती है, और जिससे कि जो हमारा मेकअप है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाता है, इसलिए ये हम प्राइमर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसको भी मैं हल्के हल्के हाथों से ही लगा रही हूँ। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ पोन्स की बीबी क्रीम। ज़्यादातर मुझे इसी से मेकअप करना पसंद है। आप लोगों ने कई बार मुझे मेरे वीडियोस में देखा होगा, मैं बीबी क्रीम से ही मेकअप करती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा यू नो लेयर्स ऑफ मेकअप मुझे पसंद नहीं है, बहुत अजीब सा लगता है मुझे। तो बीबी क्रीम से ही मैंने बहुत ही हल्की सी ली थी, बिल्कुल यू नो छोटी सी, बिल्कुल एक ड्रॉप के साइज़ की, और उसके बाद उसे दोनों हाथों पे अच्छे से फैलाकर और फिर अपने फिंगर से ही मैं फेस पे लगा रही हूँ। वैसे मैं ब्रश ढूंढ रही थी, उस टाइम मिला नहीं मुझे, लेकिन आप लोगों को पता है कि मुझे अपने हाथों से ही, मतलब फिंगर्स से ही मेकअप करना पसंद है बजाय ब्रशेस के, क्योंकि उसका रीज़न मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, जो हाथों की गर्मी होती है उससे भी एक अलग ही शाइन आ जाता है फेस पे। और तो यहाँ पे मैंने अपना बीबी क्रीम अपनी बीबी क्रीम अप्लाई कर ली है। पता नहीं मेरे ऐसे टंग स्लिप क्यों हो रही है आज, बहुत दिनों बाद एक्चुअली वीडियो बना रही हूँ और बहुत दिनों बाद ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया है, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिस वजह से मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी। फिर बीच में मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, फ़ोन का डिस्प्ले टूट गया था, उसके बाद अब बहुत दिनों बाद सब कुछ थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, तो अब मैं सोचा आज थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने फेस की कंटूरिंग कर रही हूँ, और कंटूरिंग के लिए मैं एज़ ऑलवेज़ एक ब्राउन पेंसिल मैंने ली है, जिसे मैंने जहाँ जहाँ से थोड़ा सा अपने फेस को शेप यू नो कट देना है वहाँ वहाँ मैं इसको लगा रही हूँ। तो अब अपनी फिंगर से ही इसको मैं अच्छे से स्मज करूंगी। बहुत दिनों बाद अगर वीडियोस बनाते हैं ना, तो मतलब एक वो कंटिन्यूटी सी टूट जाती है ना, तो फिर बहुत मुश्किल लगती है। आज वीडियो बनाया है मैंने, बहुत सुबह से सोचती रही, कल भी सोचती रही वीडियो बनाना है, बट एक बार कंटिन्यूटी छूट जाती है ना, तो फिर बहुत मुश्किल होता है उसको दोबारा से अपने उसमें रूटीन में लेकर आना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने लगा लिया है अपना फाउंडेशन जो भी लगा रही थी मैं। उसके बाद अब मैंने अपनी आईब्रो पैलेट उठाई है, जिसमें से मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल कर रही हूँ। मैं मोस्टली जो है ब्राउन शेड ही यूज़ करती हूँ अपनी आईब्रोज़ के लिए, ब्लैक थोड़ा ज़्यादा ओवर हो जाता है और मुझे अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक सा लगता है ना, भूत वाली आईब्रोज़ बन जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से फिल कर लिया है, लाइट मेकअप ही कर रही हूँ, क्योंकि देखिए कोई बहुत ज़्यादा लोगों को आना जाना है नहीं बाहर बिकॉज ऑफ लॉकडाउन की वजह से, और फिर घर में इतना हैवी मेकअप करके कौन पूजा करेगा या कौन अपने फेस्टिवल्स को एंजॉय करेगा। तो इस तरह से हल्का ही मेकअप अच्छा भी है। सो जी अब लगा लेते हैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट। यहाँ पे मैं कलर एसेंस का ही जो कॉम्पैक्ट है वो यूज़ कर रही हूँ, यानी कि फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। इसमें हल्का सा ग्लिटर है, बहुत ही हल्का सा, मतलब इतना ज़्यादा गॉडी भी नहीं लगता है, लेकिन अच्छा लगता है इसको लगाने से। नेक एरिया को बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, उसे भी अच्छे से कवर कीजिएगा। मैंने कोई बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है, क्योंकि मैं सिर्फ मेकअप वीडियो बना रही थी, इसलिए कहीं जाना मुझे था नहीं, तो फिर
हटाना भी हमें ही पड़ता है ये सब कुछ तो जितना ज़्यादा लगा लेते हो उतना ज़्यादा हटाना भी पड़ता है। उसके बाद मैं अपनी जो आई शेडो अप्लाई कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे गोल्डन शेड लिया है और उसको मैंने अपने, आप देख रहे हैं, आई लिड पर अप्लाई कर रही हूँ। कैसे अप्लाई कर रही हूँ वो थोड़ा अच्छे से आपको देख कर ही समझ आ पाएगा। तो फिर यहाँ पे आई शेडो अप्लाई करने के बाद मैं ब्लैक काजल पेंसिल जो है, ये काजल पेंसिल है वेस्टीज की है, तो फिर बाकी और ज़्यादा डिटेल मैं इसकी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, ठीक है। और इसी से मैं हल्का हल्का स्मोकी आई बनाने की कोशिश कर रही हूँ और काफ़ी अच्छा बन गया था, काफ़ी अच्छा लुक आया था। और आप देख रहे हैं किस तरह से मैं इसी से, एक्चुअली क्या है, ये काफ़ी अच्छी है और एक ही स्ट्रोक में काफ़ी अच्छा वो दे रही है। इसके बाद मैं एक छोटे से ब्रश से इसे अच्छे से स्मज कर रही हूँ और मतलब उसे स्मोकी इफेक्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। सेमी स्मोकी आईज़ आप इसे बोल सकते हैं, पूरी तरह से मैंने इसे स्मोक आउट नहीं किया है लेकिन हल्का हल्का किया है। तो यहाँ पर मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ, ये काजल भी वेस्टीज का ही है और थोड़ी और डिटेल में इसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूँगी बाकी प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हुए, तो वो आपको अच्छे से दिखा दूँगी। तो अब मैं अप्लाई कर रही हूँ लिपस्टिक, और लिपस्टिक ये एक्चुअली ये शेड ना मुझे लगाने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, अच्छा नहीं लग रहा मैं लगा चुकी थी जब, तो अच्छा नहीं लगा मुझे। और
देख रहे हैं आप इसका शेड जो है मेरे जैसे ब्लाउज है या तो उससे थोड़ा सा मैच करे या फिर मतलब अच्छा नहीं लग रहा था बस मुझे। पहले मैंने सोचा कि लगा लिया है चलो चला लेते हैं, बट फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं यार अच्छा नहीं लग रहा। फिर मैंने इसको देखिए आप रिमूव किया इसको मैंने, और ये सबसे भारी काम होता है मेकअप करने के बाद, अगर ऐसे लिपस्टिक रिमूव करनी पड़ जाए और चेंज करनी पड़ जाए तो सारा तामझाम बिगड़ जाता है। इसके बाद जो मैंने लिपस्टिक लगाई है वो थोड़ी सी मैच कर रही है, हालांकि ये मुझे फिर भी ये वाली भी नहीं अच्छी लगी कि मतलब इस मेकअप लुक के साथ पूरी मैच करे, बट फिर भी मतलब ठीक थी, काम चलाउ तो थी कम से कम। एक्चुअली जो मैं शेड ढूंढ रही थी वो मुझे मिला ही नहीं था, बहुत सारा सामान तो मतलब ऐसा हो गया ना इधर उधर हो गया, ये जो मैंने मेकअप वीडियोस अभी काफ़ी टाइम से नहीं बनाए तो फिर वो सामान इधर उधर रखा गया और अब मिलना मुश्किल हो रहा है मुझे। तो फिर यहाँ पे ये लिपस्टिक फिर भी थोड़ी सी मैच कर रही है, मतलब ठीक है काम चलाउ तो है। तो इसके बाद हमने लगाई ये छोटी सी बिंदी, इसके बाद लगाया हमने सिंदूर एंड देन उसके बाद मैंने अपने बालों को टाई कर लिया और इस तरह से गजरा लगा लिया और गले में एक कंठी टाइप की, मेरे पास बहुत टाइम से इस तरह की एक माला रखी हुई थी, माला कह लो या नेकलेस टाइप की, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं और पहनी नहीं थी काफ़ी टाइम से, पहले एक बार भी नहीं पहनी हुई थी, बहुत पुराने इलाके रखी हुई थी, तो वो आज वो भी इस्तेमाल हो गई फाइनली। और आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।